नोएडा के कैलाश अस्पताल में 4 से 5 घंटे का बचा है ऑक्सीजन। कोविड मरीजों का बुरा हाल। नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिस कारण कोरोना के मरीजों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में अब केवल 4 से 5 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है, जिस कारण मरीजों से लेकर डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन बेहद परेशान है। आलम यह है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अब अस्पताल में नए मरीजों के भर्ती को रोक दिया गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा आए हैं। ऐसे में हालात और बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। देश में शायद ही कभी इस तरह के हालात हुए हो कि अस्पताल दर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हो और ऑक्सीजन ना होने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हो। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से काबिल डॉक्टर भी अब बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना बचा पाने की बेबसी साफ दिख रही है। ऐसे ही हाल नोएडा के सेक्टर 27 स्थित सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल कैलाश अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन केवल 4 से 5 घंटों का रह गया है। डॉक्टर पूरे दिन रात लगा के मरीजों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उन्हें भी बेबस होना पड़ रहा है। कैलाश अस्पताल में तो हालत यहां तक आ गए है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डॉक्टरों को मजबूरन नए मरीजों की भर्ती को बंद करना पड़ा है। अस्पताल प्रशासन लगातार जिला प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन समय पर समय दिए जा रहा है। कैलाश अस्पताल ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रितु ने बताया कि अस्पताल में केवल कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है, उसी के चलते अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती करना बंद कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में करीब 450 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी कैलाश अस्पताल ग्रुप के साथ साथ और अस्पतालों में भी लगातार जिला प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग करी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्धारित समय नहीं दिया जा रहा है। हमें मजबूरन नए मरीजों को ना भर्ती करने का फैसला लेना पड़ा है। कितने मरीज हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं? देखिए, हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट हैं। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई अपने डॉक्टरों को, हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है, मतलब सुबह 6 बजे से हम सब, सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें, हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज की जान, क्योंकि वो आपका, मेरा, किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। इस टाइम मरीजों से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से अगर आप लोग भी कुछ हमें हेल्प कर सके, कोई भी कर सके, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम, जिला प्रशासन को आप लोगों ने सूचित किया? सीएमओ को किया, हमारे एमएस है, डेली जिला प्रशासन से करते हैं, हमने हर जगह सूचित किया। मैम, क्या आश्वासन दिया? कहा तो यही जा रहा है कि जल्दी ही ये किल्लत दूर होगी, जल्दी ही किल्लत दूर होगी, पर अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। रोज का हमारा पिछले हफ्ते से है, सवेरे से शाम तक हम ऑक्सीजन के पीछे ही घूम रहे हैं। और आप समय दिया गया कितने समय तक किल्लत? जल्दी, मतलब कुछ टाइम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।